नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दिया बड़ा बयान, बोले कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा चुनावी यात्रा नहीं। अमित शाह ने झारखंड सरकार पर कसा तंज, बोले नौकरी देने की हिम्मत नहीं तो कुर्सी करो खाली, लोग बोले इतना मजाक ठीक नहीं। हिमाचल में 7 नए मंत्री बने, हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा के बेटे विक्रमादित्य भी शामिल, 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए। कंझावला कांड पर आमने सामने आप, बीजेपी कपिल मिश्रा ने उठाया शराब का मुद्दा, कहा असल मुद्दे पर बात नहीं करती आम आदमी पार्टी। राहुल गांधी की टी शर्ट पर राजनीति, बीजेपी ने बताया नौटंकी, कांग्रेस बोली भक्तों का दर्द लाजमी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की न्यायिक हिरासत, 7 फरवरी तक बढ़ी शिक्षक भर्ती घोटाले का पूरा है मामला। त्रिपुरा नागालैंड और मेघालय में फरवरी में हो सकते हैं चुनाव, तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग। केरल देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना, सीएम विजयन ने दी बधाई। हिमाचल में एक साथ मिले 3 अजगर, एक की लंबाई 13, दूसरे की 9 और तीसरे की 7 फीट, लोगों ने पकड़े और गले में डाले। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का पत्र, हेट स्पीच के लिए लोकसभा अध्यक्ष से एक्शन लेने की मांग की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा बयान, बोले गवर्नर बनने के बाद खुश नहीं हूं, नहीं लगता कि मैं सही जगह पर हूं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल, यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन, पीएम मोदी ने जताया दुख। जम्मू कश्मीर के राजौरी आतंकी हमले में 18 लोग हिरासत में लिए गए, इसमें महिलाएं भी शामिल, 2 बच्चों की हुई थी मौत। राहुल की टी शर्ट पर चल रही राजनीति के बीच भूपेश बघेल ने किया बचाव, बोले नागा साधु जैन मुनि भी नहीं पहनते कपड़े। राहुल गांधी पर प्रशांत किशोर ने साधा निशाना, कांग्रेस बड़ी पार्टी है और राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन, प्रयागराज घर पर ली अंतिम सांस, 3 दिन पहले डिस्चार्ज हुए थे। कासगंज में हादसे में पिता पुत्र समेत 4 की मौत, कोहरे में पड़े से टकराई कार, चोर की सूचना पर दिल्ली से आ रहे थे घर। महिला वकील ने डाकघर में कर्मचारी को जड़ित थप्पड़, प्रयागराज में पति के साथ रजिस्ट्री कराने गई थी। देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन 5 घंटे लेट, 956 यात्रियों को मिलेगा मुआवजा, 5 दिन से चकेरी एयरपोर्ट पर नहीं उतरी एक भी फ्लाइट। सुरक्षाकर्मी ने साथी गार्ड को मारी गोली, मौत, नोएडा में शराब के नशे में हुआ था दोनों विवाद, आईटी कंपनी में करते थे काम।
यूपी में ठंड और बढ़ेगी पारा, 2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा कानपुर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा, प्रदेश के 12 जिलों में तापमान 5 डिग्री से कम। चौरासी घंटे चली आईटी की रेड, सहारनपुर में सांसद हाजी फरजुल्ला रहमान के 5 लैपटॉप और डीवीआर लेकर गई टीम, बढ़ सकती है मुश्किलें। बिजनौर में चलती कार में लगी आग, कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान, देहरादून से लौटते समय हुआ हादसा। छह घंटे बाद पकड़ा गया घर में घुसा तेंदुआ, 100 कर्मचारियों की टीम लगी, शॉटगन के 5 डोज को भी पानी पीकर किया बेअसर। संभल में लेखपाल और कानूनगो को डीएम की फटकार, बोले निलंबन करना पड़े या फिर कुछ भी कम करना पड़े मुझे नहीं पड़ेगा फर्क। रामपुर के शाहबाद में कड़ाके की सर्दी में नहीं पहुंचे फरियादी, एसडीएम ने सुनी समस्या, निस्तारण कर दिया आश्वासन। बागपत में 20 लाख की पुराल में लगाई आग, मालिक और उसके भाई ने पकड़ा तो की मारपीट, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। मेरठ में रॉटविलर डॉग ने पंजाबी अभिनेता को काटा, स्ट्रीट डॉग को बचाने के लिए दौड़े तो हाथ पैर में नोचा। हरदोई में घाघरा नदी में उतरता मिला किसान का शव, फसल की रखवाली करने के लिए निकला था, जांच में जुटी पुलिस। हाथरस में युवक को ढाबे पर पिलाए ज्वलनशील पदार्थ, गलती से पानी की जगह दे दिया बोतल भरा केमिकल, अलीगढ़ रेफर किया गया। उन्नाव में गंगा किनारे गंदगी और गोबर का ढेर, एनजीटी के आदेश की अवहेलना, तट से 100 मीटर तक सफाई रखने के निर्देश। घने कोहरे के साथ यूपी में रेड अलर्ट जारी, सीएम योगी बोले कोई भी सड़क पर सोता न मिले, कानपुर नगर और सोनभद्र रहा सबसे ठंडा। फरुखाबाद में लेखपालों को वकीलों ने दौड़ाए, महिला को शिकायत करने से रोका, वरासत के लिए रुपए मांगने का आरोप। जालौन में बिजली चेकिंग के नाम पर कर्मियों की गुंडई, महिला के साथ घर में घुसकर मारपीट, महिला बोली जबरन लगा रहे थे मीटर। बागपत में एसपी ने सीओ और थानाध्यक्षों की मीटिंग ली, अधिकारियों को सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिया, गश्त और चेकिंग पर रहा फोकस। आजमगढ़ में रात में शीतलहर, दिन में कोहरा, गलन ने बढ़ाई समस्या, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। फिरोजाबाद में कोहरे की मार, 3 डिग्री पहुंचा तापमान, हाईवे पर वाहन रेखते हुए नजर आए, अलाव का सहारा लेते दिखाई दिए लोग। औरैया में तीसरी चंबल मैराथन 14 और 15 जनवरी को 42.2 किलोमीटर तक होगी दौड़, यूपी समेत मध्य प्रदेश व राजस्थान की युवा करेंगे शिरकत। सपा मीडिया सेल हेड गिरफ्तार, पुलिस मुख्यालय पहुंचे अखिलेश यादव, कहा मुख्यालय में कोई जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं। बदायूं में क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस की कवायद, सर्दी के मौसम में आपराधिक घटनाओं रोकने को पेट्रोलिंग की मॉनिटरिंग की। बुलंदशहर में हाईवे पर 2 गुटों में हुई फायरिंग, फायरिंग में एक की मौत, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया।
चंदौली में अज्ञात कारणों से होजर फैक्ट्री में लगी आग, आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। गोंडा में दिव्यांग महिला स्टाफ नर्स ने सीएससी अधीक्षक पर परेशान करने का लगाया आरोप, महिला ने मुख्यमंत्री और चिकित्सा अधिकारियों को लिखा पत्र। चंदौली में पुलिस के हत्थे चढ़े चार पशु तस्कर, पुलिस की टीम ने दो वाहनों से 50 गोवंश को किया बरामद। गोंडा जिला अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा है व्हीलचेयर, मां को गोद में लिए बेटे की तस्वीर हुई वायरल। उत्तराखंड में 11 साल बाद दिसंबर में सूखे के हालात, 99% कम हुई वर्षा, 9 जनपदों में नहीं पड़ी एक भी बूंद। जोशीमठ को लेकर पीएमओ को लगातार अपडेट दे रहे हैं मुख्यमंत्री धामी, सोमवार को पहुंचेगी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम। उत्तराखंड में करवट बदल सकता है मौसम, ऊंची चोटियों पर बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना। जोशीमठ में प्रभावित परिवारों को सुरक्षित राहत शिविरों में भेजा, रात में डीएम ने खुद जायजा लेने पहुंचे। नैनीताल में नैनी झील के ऊपरी इलाके में भूदसाव व दरारों का खतरा, ट्रीटमेंट को लेकर गंभीर नहीं सरकार व विभाग। जोशीमठ को लेकर कांग्रेस ने गठित की कमेटी, मौका मुआयना करने के साथ ही कार्यों पर भी रखेगी नजर। जोशीमठ से लौटकर सीएम धामी ने किया अधिकारियों के संग बैठक, दिए प्रभावित क्षेत्र के सैटेलाइट इमेज जुटाने के आदेश। वंतरा प्रकरण में पीड़िता के पिता की शिकायत का सीएम ने लिया संज्ञान, आरोपितों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता को हटाया। उत्तराखंड में केंद्रीय संस्थान से कंप्यूटर उपकरण चुराने वाला गिरफ्तार, लोन उतारने के लिए भी चोरी किया था। हरिद्वार में स्वामी कैलाशनंद गिरी से मिले मौलाना अरशद मदनी, कहा कॉमन सिविल कोर्ट से सहमत नहीं। हरिद्वार में धर्म सेंसर बोर्ड का गठन, धर्म का उपहास उड़ाने वाली फिल्म, वेब सीरीज व धारावाहिकों की करेगी समीक्षा। उत्तराखंड में एमएसएमई की श्रेणी के उद्योगों को नहीं कराना होगा ईपीआर रजिस्ट्रेशन, प्लास्टिक पैकेजिंग उद्यमियों को राहत। चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत की नई कार्यकारिणी गठित, सुरेश सेमवाल अध्यक्ष और ब्रिजेश सतीश बने महासचिव। उत्तराखंड में केदारनाथ हेली सेवा का अनुबंधन खत्म, नए सिरे से होंगे टेंडर, बढ़ सकता है किराया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ का मामला, शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद ने की पीआईएल दाखिल। रिहा हुई कोल्ड वॉर के समय की जासूस एना मोटेस, क्यूबा को दी थी अमेरिका की खुफिया जानकारी, पर्स में रखती थी सीक्रेट कोड। हिजाब पहन सकेगी ब्रिटिश की एवरेज महिला क्रू, 20 साल बाद यूनिफॉर्म बदली, पुरुषों के लिए 3-पीस सूट का ऑप्शन।
अमेरिका में बेहतर माहौल के लिए नौकरी छोड़ रहे कर्मचारी अपनी शर्तों पर काम करना चाहते हैं। छटनी के बाद भी जॉब मार्केट मजबूत। सीज फायर के बाद फिर आक्रामक हुआ रूस। पूर्वी यूक्रेन में गोलीबारी शुरू। नागरिकों के ठिकानों को बनाया गया निशाना। दुनिया भर में दहशत के बीच साउथ अफ्रीका में आया कोरोना का नया वेरिएंट कैक्रेन। तेजी से फैलता है वायरस। देश दुनिया में कोरोना का खतरा। भारत में एक साल में ओमिक्रॉन के 30 वेरिएंट मिले। चीन ने बॉर्डर खोले, क्वारंटाइन खत्म किया। पुतिन ने अकेले में मनाया क्रिसमस। पहली बार मॉस्को में रहे सैनिकों के समर्थन के लिए चर्च को धन्यवाद दिया। यूक्रेन ने पुतिन पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया। बोला ऐलान के बावजूद सैनिकों ने रॉकेट दागे, रूस ने दावे गलत ठहराए। ईरान में दो और प्रदर्शनकारियों को फांसी पर चढ़ाए सुरक्षाकर्मी को जान से मारने का आरोप। अब तक 14 को मिली मौत की सजा। इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटा। 300 मीटर तक फैली राख एक साल से है एक्टिव। बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज और आई 7 भारत में लॉन्च। ईवी में सिंगल चार्ट पर मिलेगी 625 किलोमीटर की रेंज, 240 की टॉप स्पीड। रेहड़ी पटरी वालों के लिए बड़ी खबर। 2023 में स्ट्रीट वेंडर्स को माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी देने पर जोर देगी सरकार। जैकमा को चीन सरकार से पंगा लेना पड़ा। भारी बिलियन जैकमा के हाथ में अब नहीं रहा फिटनेस कंपनी एक्ट ग्रुप का कंट्रोल। एथन ने 450 सीरीज को किया अपडेट। गूगल वेक्टर मैप के साथ मिलेगा ऑटो हिल होल्ड जैसा सेफ्टी फीचर। टेस्ला की कारें अमेरिका से चीन में 43% तक सस्ती। कंपनी ने तीसरी बार दामों में की कटौती। नए इंटीरियर के साथ पेश किया गया मॉडल एस। मैकडॉनल्ड के सीईओ क्रिस कैंपेजो ने इस कल का बड़ा बयान। बोले जा सकती है कुछ लोगों की नौकरी। एयर इंडिया के सीईओ कैंपल विल्सन ने पेशाब कांड के लिए मांगी माफी। चालक दल पायलट को ड्यूटी से हटाया गया। चीन के बाजार खुले से एशिया के दूसरे देशों में बढ़ेगी महंगाई। मॉर्गन स्टेनली ने जताई आशंका। आईसीआईसी बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। बैंक ने एफडी पर बढ़ाए ब्याज। मिलेगा 7.15% तक का रिटर्न। ट्विटर में फिर से छटनी। कंपनी ने ट्रस्ट सेफ्टी के टीम के कई कर्मचारियों को किया बर्खास्त। नाओमी ओसाका और वेनस विलियम्स ऑस्ट्रेलिया ओपन से बाहर। ओसाका दो बार की विजेता। वेनस पिछले हफ्ते चोटिल हो गई थी। सात चौके और 9 छक्के। राजकोट में शतक। जड़ सूर्य कुमार ने रचा इतिहास। ऐसा करने वाले बने दूसरे भारतीय। सालों बाद भी श्रीलंका का पूरा नहीं हुआ सपना। भारत में अब तक एक भी सीरीज में नहीं मिली जीत।
टी20 वर्ल्ड कप में पड़े छक्के पर हारी स्टंप ने दिया रिएक्शन, बोले मुझे नहीं लगता कोहली फिर कभी भी ऐसा कर पाएंगे। वापसी के लिए जमकर पसीना बाहर है केएल राहुल, श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलने के लिए तैयार। भारत ने 91 रन से जीता तीसरा टी20, श्रीलंका से लगातार पांचवी होम सीरीज जीती, सूर्य कुमार का तीसरा शतक। चेतन शर्मा फिर बने सिलेक्टर, बीसीसीआई ने नई सिलेक्शन कमेटी घोषित की, शिव सुंदर दास, सलील अंकोला सहित चार और मेंबर्स। रायपुर में 21 जनवरी को भारत न्यूजीलैंड के बीच वनडे मुकाबला, ऑनलाइन ही मिलेगा टिकट, 400 रुपए से शुरू होंगे दाम। वर्ल्ड नंबर एक के कॉलोस साल के पहले ग्रैंड स्लैम से बाहर, पैर में चोट लगी, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलेंगे। मुंबई में ऋषभ पंत के घुटने की सफल सर्जरी हुई, 3 घंटे चला ऑपरेशन। चोट लगने के बाद सेट पर वापस लौटे रोहित शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शेयर किया वीडियो, बोले आप हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। तो निशा की मां वनिता ने तोड़ी चुप्पी, शिजान की फैमिली द्वारा लगाए गए आरोपों को खंडन में, बोली मैंने उसे 3 महीने में 3 लाख रुपए दिए थे। मिशन मजनू के लिए सिद्धार्थ, रश्मिका का जज्बा, प्रोड्यूसर बोले उनसे दर्जी का काम सीखा, रश्मिका ने ब्लाइंड रोल के लिए ट्रेनिंग ली। बेटी के साथ सिद्धिविनायक दर्शन करने पहुंची काजोल, हाथों में पूजा की थाली, माथे पर तिलक लगाए नजर आए न्यासा देवगन। शाहरुख के एनजीओ ने की अंजलि की फैमिली की मदद, मीर फाउंडेशन ने डोनेट की बड़ी रकम, एसआरके ने पिता के नाम से खोला है एनजीओ। यशराज फिल्म्स लॉन्च करेगा अपना स्पाई यूनिवर्स, टाइगर और वॉर के बाद पठान की होगी लेटेस्ट एंट्री, सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी बनाने की तैयारी। जन्मदिन पर यश नहीं मिले तो फैन ने की आत्महत्या, केजीएफ स्टाइल में 15 साल के लड़के ने पीतनी सिगरेट की, करना पड़ा भर्ती। बेटी के साथ आउटिंग पर निकली ट्विंकल खन्ना, नितारा की हाइट देख फैंस बोले ये तो पापा अक्षय कुमार जितनी बड़ी हो गई है। दिशा पाटनी ने बदले लुक में शेयर की फोटो, तमन्ना भाटिया ने गोवा वेकेशन के दिखाई झलक, फैंस बोले विजय की फोटो भी दिखाओ। फ्लाइट में पेशाब कांड पर विवेक अग्निहोत्री ने किया रिएक्ट, बोले अगर आरोपी मिश्रा की जगह खान होता तो अब तक विक्टिम बन जाता। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।